कर्नाटक चुनाव के लिए ओवैसी ने कौन सा प्लान तैयार किया है? आखिर कर्नाटक में किसका खेल बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बार के चुनावी जंग में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा उलटफेर करने के चक्कर में है। मिली जानकारी के मुताबिक AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर जेडीएस की ओर से पत्ते नहीं खोले जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी अब अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार दिख रहे हैं। खबर के मुताबिक ओवैसी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। बताया जा रहा है कि चुनावी रणनीति बनाने के लिए ओवैसी जल्द ही पार्टी की कर्नाटक इकाई से मुलाकात करने वाले हैं। अपने एक बयान में AIMIM नेता ने कहा कि जेडीएस ने हमें राज्यसभा चुनाव तक इंतजार करने को कहा था, लेकिन अभी तक जेडीएस की तरफ से गठबंधन को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है। ऐसे में हम 40 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल जेडीएस बीएसपी संघ पहले ही गठबंधन कर चुकी है, लेकिन खबर ये भी है कि मुस्लिम, दलित और वोकलिगा वोटों को अपने पाले में करने के लिए देवेगौड़ा की पार्टी ओवैसी से भी बातचीत कर रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर ओवैसी का जेडीएस के साथ गठजोड़ हुआ तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं कांग्रेस को ही भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ओवैसी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो इससे मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आपको बता दें कि AIMIM ने पिछले 5 सालों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाहर भी अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो कुछ सीटें जीतने में सफल भी रहे। कर्नाटक में भी मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी है, यही वजह है कि ओवैसी सूबे के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना आधार मजबूत करने की सोच रहे हैं। उनकी नज़र खास तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सटे हैदराबाद कर्नाटक इलाके पर है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि ओवैसी कर्नाटक में किस दल का खेल खराब करते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।